टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच शुक्रवार यानी कि 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा। पहला मैच ड्रॉ होने और विराट की वापसी के चलते इस अहम मैच में भारतीय टीम 3 बड़े बदलाव कर सकती है। साथ ही युवा विकेटकीपर बल्लेबाज के एस भरत को भी डेब्यू का मौका मिल सकता है। दरअसल पिछले टेस्ट में गर्दन में दर्द की शिकायत से जूझने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा की फिटनेस को लेकर संशय बना हुआ है। ऐसे में यदि वो फिट नहीं हो सके तो उनकी जगह के एस भरत को मौका मिलना तय है। भारत मुंबई टेस्ट में शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करते दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में पहले टेस्ट में ओपनिंग करने वाले मयंक अग्रवाल को बाहर किया जाना लगभग तय है। उनकी जगह कप्तान विराट कोहली की एंट्री होगी। इस तरीके से मुंबई टेस्ट में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सामंजस्य बैठाया जाएगा। वहीं लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे पुजारा और रहाणे को एक और मौका दिया जा सकता है। ये बात टीम मैनेजमेंट के सूत्रों की तरफ से ही सामने आई है। बॉलिंग कोच पारस महामरे ने कहा कि साहा को लेकर मैच से ठीक पहले ही फैसला लिया जाएगा। फिलहाल फिजियो लगातार कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान कोहली के संपर्क में बने हैं। साहा ने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। दर्द के बावजूद उन्होंने बेहतरीन पारी खेलकर टीम को मुश्किल से निकाला था। बता दें कि साहा ने कानपुर टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद 61 रनों की पारी खेली थी। यदि साहा की जगह भरत को मौका मिल जाता है तो वो शुभमन के साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे। भरत ने अब तक आंध्र प्रदेश के लिए रणजी में ओपनिंग करते हुए 78 मैच में 4283 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 9 शतक और 23 50 भी लगाई है। भरत ने 308 रनों की भी एक पारी खेली थी। यदि मुंबई टेस्ट में उन्हें ओपनिंग का मौका मिलता है तो ये उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने न्यूजीलैंड के आक्रामक गेंदबाजी में टिम साउदी, काइल जेमिसन और नील वैगनर होंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में पुजारा, विराट, रहाणे और श्रेयस अय्यर होंगे। अय्यर ने पिछले टेस्ट में ही डेब्यू किया था। इसमें उन्होंने शानदार शतक और अच्छा शतक जमाकर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। ऐसे में मुंबई टेस्ट में भी उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी। ये रहाणे का घरेलू मैदान होगा, ऐसे में उनसे भी फॉर्म में लौटने की पूरी उम्मीद होगी। वहीं पिच को देखते हुए भारतीय टीम 30 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर सकती है। ईशांत शर्मा और उमेश यादव के साथ सिराज को भी प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो स्पिनर अक्षर पटेल को बाहर बिठाया जा सकता है। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अश्विन और जडेजा के हाथों में होगी। बता दें कि पिच पर घास नहीं है, यहाँ बारिश की भी संभावना है। ऐसे में पिच पर तेज गेंदबाज और स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। भारत की संभावित प्लेइंग 11 की बात की जाए तो शुभमन गिल के एस भरत करेंगे पारी की शुरुआत। 3 नंबर पर करेंगे चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाज। 4 नंबर पर कप्तान कोहली। 5 नंबर पर अजिंक्य रहाणे। 6 नंबर पर श्रेयस अय्यर। 7 नंबर पर जड्डू। 8 नंबर पर अश्विन। 9 नंबर पर मोहम्मद सिराज। 10 नंबर पर ईशांत शर्मा और 11 नंबर पर उमेश यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।